यहां पर आपके पास क्या होगा, ए और बी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो टी वन सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। सिमिलरली जब हम टी टू में एक्सपेंड करेंगे, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और अभी हम लोग जेई एडवांस 2024 मैथ्स पेपर वन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या 2024 में पेपर वन में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है लेट एस बी द कोई सेट है, इस टाइप से कोई सेट है ए प्लस बी अंडर रूट टू टाइप में। इस टाइप के सेट एस के अंदर नंबर हैं जहां पर ए एंड बी क्या है, इंटीजर्स हैं। एक सेट है हमारे पास टी वन जिसमें माइनस वन प्लस अंडर रूट टू की पावर एन टाइप के नंबर्स हैं एंड एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। और इस जगह पर शायद इस जगह पर प्लस है, ठीक है। तो T2 इज इक्वल टू प्लस वन प्लस अंडर रूट टू की पावर n एंड n बिलोंग करता है किसमें, इस टाइप में। देन द कहता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये हमारे पास इस साल जेई एडवांस में मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस पूछा गया था। और देखिए इसके मोर देन वन ऑप्शन है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। देखिए अगर हम लोग सबसे पहले बात करें इस जगह पर सेट S को अगर हम देखते हैं, तो सेट S में अगर हम लोग b इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, ओनली a मिलेगा, ठीक है, a मिलेगा। तो जो s होगा उस केस में किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीजर्स के सेट के इक्वल हो जाएगा। मतलब जब आप b इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो उस समय ये जो सेट है ऑल इंटीजर्स कंटेन करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम t1 सेट में बात करते हैं, टी वन सेट में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, अगर मैं टी वन सेट की बात करूँ तो T1 सेट में हमारे पास इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, माइनस वन प्लस अंडर रूट टू की पावर n, माइनस वन प्लस अंडर रूट टू की पावर 2, माइनस वन प्लस अंडर रूट टू की पावर 2, इस टाइप के नंबर्स हैं, पावर 3, पावर 4 इस टाइप के नंबर है। और अगर हम लोग इनको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, अगर सच कीजिए आप इनको एक्सपेंड करते हैं तो जितने भी हमारे बाइनोमियल कोफिशेंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और यहाँ पर आपके पास जो भी इस एक्सप्रेशन को जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपके पास किस टाइप के नंबर्स आएंगे, माइनस वन प्लस अंडर रूट टू टाइप के, कुछ इस टाइप के नंबर, सिंप्लीफाई मतलब ए प्लस बी अंडर रूट टू टाइप के नंबर्स आपके आएंगे। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ए और बी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो टी वन सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। सिमिलरली जब हम टी टू में एक्सपेंड करेंगे तो T2 में बस क्या होगा, यहाँ पर माइनस की जगह पर ये होगा। जैसे फॉर एग्जांपल T2 का हमने एक एलिमेंट एक्सपेंड किया 1 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 2 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो ये भी जो आपका एलिमेंट है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 टाइप का एलिमेंट आ गया। मतलब किस टाइप का एलिमेंट हो गया, ए प्लस बी अंडर रूट 2 टाइप के। तो अगर हम इन तीनों सेट्स का अगर हम यूनियन करें तो सेट एस में ये सारे एलिमेंट्स आपके क्या करेंगे, कंटेन करेंगे, क्लियर। तो मतलब ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि इन देखिए ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो आपके किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, ऑल इंटीजर्स हैं। यहाँ पर आपके पास a प्लस बी अंडर रूट टू टाइप के नंबर्स हैं, और ये भी आपके जो नंबर्स हैं वो भी क्या है, तो मतलब ये जो टोटल सेट है वो आपका क्या कंटेन करेगा, इस सेट के अंदर कंटेन करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा इसका सबसेट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, सेकेंड ऑप्शन की। तो देखिए सेट थ्योरी के ऊपर बेस क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल वे में आप कर सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट उसने हमें पॉइंट दिया है, टी वन इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल 0 1024 2024 1 अपॉन समथिंग। तो बोलता है टी वन के जो एलिमेंट्स हैं, टी वन के एलिमेंट्स हमारे इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो T1 में हमें इस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे और यहाँ पर जो हमें एलिमेंट्स मिलेंगे वो इस टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे। तो बोलता है कि इनके बीच में जो इंटरसेक्शन आएगा, अब अगर आप ये देखिए इसमें जो एलिमेंट्स हैं, अंडर रूट टू की वैल्यू किस टाइप की होती है, 1.41 माइनस 1 और इसकी होल की पावर n, मतलब अप्रॉक्सीमेट हम लोगों ने ये वैल्यू फाइंड आउट की, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.41 डैश डैश और इसकी होल की पावर n।
अब जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, जैसे जैसे आप इसकी भाई जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 0.16 आएगा पॉइंट, इस टाइप से आपके पास ये जो नंबर है टेंड करने लगेगा किसकी तरफ, जीरो की तरफ टेंड करने लगेगा। ठीक है, तो वो ये बोलता है कि अगर हमारे पास T1 सेट में जो एलिमेंट है तो जब आप n की वैल्यू कुछ टाइम बाद जब लार्ज वैल्यू हो जाएगी तो वो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 1/20 ये जो वैल्यू, ये जो पावर है आपकी 0.414 इसकी होल की पावर n, दैट इज लेस देन 1000 to 1/2024 से क्या आ जाएगी, लेस आ जाएगी एक टाइम बाद, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, जैसे जैसे आप n इंक्रीज करते जाएंगे तो वो आपके पास क्या होती चली जाएगी, इससे छोटी हो जाएगी। जैसे कुछ एक ऐसा कोई नंबर n एग्जिस्ट करेगा कि जिसकी जो पावर होगी वो इससे अभी क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो जब छोटी हो जाएगी तो T1 का जब आप इंटरसेक्शन इसके इस इंटरवल के साथ करेंगे तो आपको कोई ना कोई नंबर आपको क्या मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, तो इसलिए हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या है बेटा, करेक्ट है। इसके बाद अब आप देखिए थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में क्या है, T2 जो हमारे पास सेट है उसमें किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, 1+√2 की पावर n। अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अराउंड 2.414 की पावर n। और अब हम जैसे जैसे इसमें n इंक्रीज करते जाएंगे तो एक हमारे पास देयर एग्जिस्ट एक n इस तरह से होगा कि जहां पर 2.414 की पावर जो n आएगा, मतलब जैसे जैसे देखिए अगर हम इसको एक तरह से 3 अज्यूम कर ले तो 3 की पावर 1 3 हो गया, फिर इसके बाद 9 हो गया, 27 हो गया, जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते जा रहे हैं तो एक पॉइंट एक ऐसा आएगा, एक नंबर हमको ऐसा मिलेगा कि जिसकी जब भी वैल्यू उस नंबर से बड़ी आएगी तो 2.414 की पावर n जो है वो हमारा क्या होगा, 2024 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो मतलब हमको ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने लगेंगे, मिलने लगेंगे। तो इसका मतलब T2 में इस टाइप के एलिमेंट होंगे जो इस 2024 से क्या होंगे, बड़े होंगे, ग्रेटर एलिमेंट्स होंगे। तो उनका जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो नॉट इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद देखिए इन्होंने क्या बोला है, बोलता है कहता है फॉर एनी गिवन ए और बी कहाँ बिलोंग करता है आपका इसमें, सच दैट ये एक इंटीजर है। अच्छा, अगर कोई ये देखिए एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपका जो है मतलब a+b√2 ये आपका इस तरह से ये यहां पर लिखा हुआ है b√2, तो ये एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, बोलता है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक इंटीजर है, तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इंटीजर होगा तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, sin π (a+b√2) की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। बट a+b√2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये है, अच्छा हमको ये भी पता है कि sin 2π sin nπ की वैल्यू हमारी क्या होती है, हमेशा 0 होती है। इसका मतलब हमें इस टर्म को गायब करना पड़ेगा। तो ये आप कैसे गायब करोगे, जब आपका क्या होगा, जब b = 0 हो जाएगा जिस समय, तो ये a आपका किस तरह से हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा, और उस केस में आपकी जो साइन a पाई की वैल्यू आएगी वो इंटीजर आएगी। तो ये वाला भी जो स्टेटमेंट है हमारा करेक्ट है। तो देखिए ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन था, सेट थ्योरी का क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में कुछ कोई ज़्यादा इसमें बड़ा मैथ्स नहीं है, बस एक क्वेश्चन को पढ़ने का और समझने का आपको तरीका पता होना चाहिए। तो सेट थ्योरी से रिलेटेड था, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन।